रखी, हम यहाँ मेरे बारे में बात करने नहीं आए हैं। हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्या हम उस जरूरी बात पर फोकस कर सकते हैं? विराट, मैं उस जरूरी बात पर ही तो फोकस कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे और सम्राट के रिश्ते को दूसरा मौका देने की बात क्यों कर रहे हो, जबकि किस्मत तुम्हारे और मेरे रिश्ते को दूसरा मौका दे रही है। क्या बोल रही हो तुम, क्या बोल रही हो? तुम्हें और मुझे कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता है? मिल सकता है विराट, और मिल रहा है। तुम साई के प्यार में इतने पागल हो कि तुम्हें उसके अलावा और कोई नजर ही नहीं आ रहा। देखो, तुम्हें पता है हल्दी की रस्म में जब हम दोनों मिले थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारे परिवार वालों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ था, और मुझे सम्राट से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब तो सम्राट ने सबके सामने सब कुछ बता दिया है कि हमारे बीच में कुछ नहीं, बहुत कुछ था, इसलिए वो मुझे और घर दोनों को छोड़कर चला गया था। देखो विराट, अब तो पूरे परिवार वालों को भी पता चल गया है, तो फिर हम दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते? अब तो किसी को भी कोई सदमा नहीं लगेगा। क्या क्या बोल क्या रही हो तुम? प्लीज, क्या ये बकवास सोचना बंद कर सकती हो? ये गलत है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। प्लीज भूल जाओ ये सब। भूल जाऊं? हाँ, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो मैं भूल जाऊं? नहीं विराट, नहीं। तुम समझने की कोशिश करो विराट, हम दोनों अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। देखो, सम्राट घर छोड़कर जाए, इससे तो अच्छा है कि मैं सम्राट से तलाक ले लेती हूँ और तुम भी सही को तलाक दे दो, फिर तुम अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लेना और हम दोनों एक अपनी अलग नई दुनिया बसाएंगे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तुम्हारा? नहीं, तुम बोल क्या रही हो? For God's sakes, please stop all this. विराट, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझो मेरी बात को। देखो, सम्राट भी यही चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। अब तो लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारे पास ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका। तुम और मैं फिर से हम बन सकते हैं। जैसे तुम्हें याद है खोजागिरी वाली रात, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम और मैं हम बन सकते हैं, तुमने तब भी ना नहीं किया था। विराट, हमारे पास आखिरी मौका है, हम बन सकते हैं। मैंने हाँ भी नहीं कहा था, और तुम और मैं कभी हम थे ही नहीं और ना कभी बन सकते हैं। बाकी अतीत की कब्र में तुम्हें सिर्फ यादों की लाशें मिलेंगी और कुछ नहीं। तुम्हारे बिना मैं पहले ही जिंदा लाश बन के रह गई हूँ विराट। देखो मुझे, प्लीज तुम मुझे तुमसे दूर मत करो, प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज। देखो देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी विराट। मुझसे दूर मत जाओ। देखो, तुम एक बार आखिरी बार अपने दिल पर हाथ रख के एक बार फिर से पूछो कि तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते। Enough, Pocky, enough. अब मैं क्या तुम्हें लिख के दूं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है? सॉरी, ये मुझसे। नॉट टू वरी सर, अभी साफ कर देता हूं। तुमने मुझसे अभी पूछा था ना कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, सम्राट के साथ एक नई शुरुआत करो, प्लीज। बाकी सम्राट एक बहुत अच्छा इंसान है,
इनफैक्ट इतना अच्छा कि मैं चाहकर भी उसके जितना अच्छा नहीं बन सकता। दुनिया की कोई भी लड़की सम्राट से शादी करके खुद को खुशकिस्मत समझेगी, लेकिन मैं नहीं विराट, मैं नहीं। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर सम्राट के साथ रहने के बारे में सोचूं भी तो मजबूरी से बना एक रिश्ता होगा, दिल से बना नहीं। मैं तुम्हारे तरह नहीं हूं विराट कि दोबारा प्यार ढूंढूं। प्यार बस एक ही बार होता है, दूसरी बार तो बस समझौता किया जाता है। मैंने अपना दिल, अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपने जज्बात, सब कुछ तुम्हें दे दिया विराट। किसी और को देने के लिए मेरे पास सब कुछ बचा भी नहीं है। प्लीज पाखी, प्लीज, अब भी वक्त है। अपनी सोच को खुली रखो। बाकी तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आया है उसे एक बार मौका तो देकर देखो। सम्राट बहुत समझदार है, सच में वो तुम्हें अपने जज्बात समझने में मदद करेगा। बाकी जिंदगी के सफर में मंजिल भी जिंदगी को ही तय करने दो, क्या पता वो तुम्हें वहां ले जाए जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंची हो। अभी जो कुछ भी मैंने कहा है प्लीज उसे मान लो। तुम देखना, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तुम्हारे और सम्राट के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तुम्हारे और सई के बीच में सब कुछ अच्छा है? अच्छा एक बात बताओ सई, कि जब अजिंक्य तुमसे मिलने आया था तब तुम्हारे हस्बैंड ने उससे कितनी रूडली बात की थी, और डाउट भी तो किया था ना तुम पे, तब भी तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है, क्यों? उन बातों के लिए विराट से पहले ही माफी मांग चुके हैं। मुझे किसी और के साथ देखकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया था बस, और उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम लोग को पता है कल रात से विराट सर को कितना तेज बुखार था? पता नहीं उन्होंने अपनी दवाई ली भी होगी कि नहीं। कम ऑन यार सही, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारे हस्बैंड की, आई एम श्योर कि वहां पे कोई ना कोई होगा विराट सर का ध्यान रखने के लिए। ये बात तो सही है, और कोई नहीं तो पाखी दीदी तो हमेशा उनका ख्याल रखेंगी। मुझे विराट सर के बारे में इतनी चिंता करना छोड़ना होगा। सही, कहां को गई? कैफे चल रही हो ना हमारे साथ? चलो। हाँ, चलो, चलो। पाखी, प्लीज मुझे और सई को अपने और सम्राट के साथ कंपेयर मत करना। प्लीज, सई अभी बच्ची है, लेकिन तुम और सम्राट तो मैच्योर हो ना। अगर तुम दोनों अपने इस रिश्ते को एक और मौका दो, उसके बारे में सोचो, तो क्या पता तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाए। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है, और मैंने जिंदगी में सच्चा प्यार बस एक ही इंसान से किया है, तुमसे। प्लीज पाखी, प्लीज भूल जाओ इन बातों को, उस वक्त को। इट्स ऑल इन द पास्ट, इट्स डेड। प्लीज ऐसा मत कहो विराट, प्लीज मत कहो। तुम्हारे लिए हमारा पास्ट डेड हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज प्लीज। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, तुम्हें इसे रोता हुआ देखकर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज स्टॉप क्राइंग, प्लीज। और बाकी मैं इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, और तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारा दिल रखने के लिए तो झूठ नहीं बोल सकता ना कि हाँ बाकी मेरे दिल में भी कुछ है।
झूठी बोल दो विराट, झूठी बोल दो, झूठी बोल दो कि तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, झूठी बोल दो प्लीज। अरे देखो, तुम जो कहोगे जैसा करोगे मैं वैसा करूंगी, तुम जहां मुझे रखोगे जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हारा कोई भी कहना नहीं टालूंगी। तुम कहोगे पाखी चलो मैं चलूंगी, तुम कहोगे पाखी बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगी, तुम कहोगे पाखी रुको मैं रुक जाऊंगी, तुम्हारे तुम्हारे एक इशारे पे अपनी पूरी जिंदगी निकालूंगी मेरा, प्लीज प्लीज तुम मत छोड़ो मुझे, तुम ऐसा मत कर, प्लीज प्लीज मुझे अपना साथ दे दो मेरा, प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पाखी सब देख रहे हैं, प्लीज स्टॉप क्राइंग, पाखी प्लीज रोना बंद करो, चलो प्लीज रोना बंद करो। विराट, I love you। पाखी देखो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरा, प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। पाखी देखो, तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ सम्राट के बारे में सोचना चाहिए। पाखी प्लीज रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो, कम ऑन स्टॉप क्राइंग, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। विराट सर है ना? तू तो कह रही थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तू इनके लिए इतना परेशान हो रही थी ना, और तू हमारे साथ भी नहीं आ रही थी, यहाँ आने से मना कर रही थी। मुझे घर जाना है गाइस, मुझे विराट सर का ध्यान रखना है। तेरे विराट सर तो यहाँ किसी और का ही ध्यान रख रहे हैं। वैसे है कौन ये लड़की? पाखी दीदी है, सम्राट दादा की वाइफ। क्या करोगे विराट?
वेटर। यस सर। बिल आइएगा प्लीज। विराट सर, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, थोड़ी देर हमारे साथ भी रुकिए ना। सही के आते ही आप अचानक जा क्यों रहे हैं? थोड़ी देर रुक जाइए ना। सही बता रही थी, आप बीमार हैं। अब आपकी तबीयत ठीक है ना सर? I'm fine. Thank you. तो फिर आइए ना सर, हमें भी ज्वाइन कर लीजिए आप। मैंने तुम लोग से कहा था ना, मुझे यहाँ मत लेकर आओ। मैं यहाँ नहीं आती तो ही बेहतर था, है ना विराट सर? आज नहीं, some other time. Come on यार सही, तुम एक काम करो, तुम ही विराट सर को रोक लो ना। मैं होती कौन हूं इन्हें रोकने वाली? एक मिनट सही, इधर आओ। सही, हम लोग बस... मुझे सुबह ही समझ जाना चाहिए था जब आप हमारे कमरे में आई थी बिना पूछे विराट सर से कुछ बात करने। तुमने फिर से ब्लेम गेम शुरू कर दी। तुम्हें पता भी है मैं यहाँ क्यों आई थी? नहीं, और ना ही मुझे जानना है। सही, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे विराट से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं बस। बाकी दीदी प्लीज, आप कोई सफाई मत दीजिए। थैंक यू सर। आप दोनों आराम से अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं अब और आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे और कोई बात नहीं करनी, मैं चलता हूं। लेकिन जाने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं, यहां जो कुछ भी हुआ, ये सिचुएशन, ये हालात, ये सब मेरे अपने हैं, और इन सब का तुम क्या मतलब निकालती हो वो सब तुम्हारे ऊपर है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज अपने निकाले मतलब को सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि पाखी और सम्राट के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, इसलिए मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि सम्राट किसी के भी बिना सर पैर की बातें सुनकर परेशान हो। मुझे मालूम है विराट सर, आप यहाँ पाखी दीदी और अपनी आगे की जिंदगी कैसे साथ में जीनी है वो प्लान करने आए थे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.